हेलो दोस्तों, भाई मैं हूँ आदित्य। भाई आप देख रहे हो भाई, ये स्टीरो मेरे हाथ में कैसे आ गया। तो भाई हमने अपने गाड़ी के लिए फाइनली भाई वो म्यूज़िक सिस्टम लगा लिया है, टच वाला। तो अभी दिखाऊंगा आपको, पहले आप ये देख लीजिए भाई, ऐसा देखता है मारुति का जेन्युइन ओरिजिनल वाला था भाई, अपन को जो कंपनी से लग के आया था इसमें। तो अभी देख लीजिए, आगे से हो गया ऐसे और ऐसे पीछे से हो गया भाई, पूरा भाई मारुति का जेन्यून यहाँ पे लोगों की आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे तो ये तो आपने लगाया कैसे भाई, वो तो दिखा दे। तो भाई वो लिखिए, वो भी आपको दिखा दिया। तो ये है भाई अपना सोनी का XAV W 600 वाला मॉडल, सोनी का भाई ओरिजिनल वाला है और ये एंड्रॉयड वाला नहीं है, जो अगर आपको देख के लग रहा होगा तो एंड्रॉयड नहीं है, सोनी का ओरिजिनल वाला म्यूजिक सिस्टम है इसमें लगा हुआ है अभी। तो कुछ ऐसा दिखता है तो अभी आपको बता दो इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या मिलता है। और उसमें भाई सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ मतलब क्या क्या आता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट मारा तो एक बार पहले इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे हम। तो कहाँ यहाँ से देखते हैं, यहाँ से चालू करते हैं अभी। तो ये पहले इसके आउटर मतलब एक्सटीरियर वाले में देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे होगा CD लगाने का, जो कि कोई लगाता नहीं अभी आज के टाइम में। यहाँ से देखिए, अब जैसे प्रेस करूँगे ये निकल जाएंगी, ऐसे कोई लगाते नहीं पर इसमें लगी हुई है। ये भाई इसका होम बटन हो गया, देखिए इसको लगाएंगे, ये होम बटन हो गया। ये हो गया भाई वॉल्यूम के लिए, मैक्सिमम भाई इसका 50 तक जाता है वॉल्यूम इसका। और उसके नीचे भाई होगा अपने ये USB का और ये ऑक्स का। तो सबसे पहले आता है भाई पे ट्यूनर, ट्यूनर यानी FM। और फिर उसके बाद आता है ये अपना USB, जो कि अभी है नहीं इसलिए वो भी लगा के दिखाऊंगा आपको। ये होगा USB का, ये होगा जो CD मतलब वो डिस्क जो CD लगी उसके हिसाब से कंट्रोलर, ऑक्स का हो गया। और ये होगा रियर कैमरा, अगर इसमें आपके कैमरा लगा होगा तो ये काम करेगा, अभी लगा नहीं है, तीनों वीडियो सीरियल दिखा रहा है। वैसे आगे जाके लगाएंगे भाई इसमें भी कैमरा हम, पर अभी लगा नहीं है तो दिखा रहा है उन वीडियो सीरियल। तो उसके बाद भाई ये आ गया मतलब बैक बटन, जो कि पहले चालू था इसलिए वो आ गया। पहले सेटिंग, पहले इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेते भाई हम, फिर आपको मिलता हूँ। आप देख ही लीजिए मतलब कैसे बढ़ेंगे, ये जो डिमर लेवल है इसको हम ऑफ, देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई अभी इसकी। तो अभी मेन सेटिंग की बात करते हैं हम, अब देखिए अब क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले सेटिंग में आती है लैंग्वेज की, जो कि इंग्लिश, फिर टाइम फॉर्मेट है, फिर क्लॉक टाइम है, फिर बीप, अगर आपको जो भी आवाज़ आ रही है अभी ऑन ऑफ होना होगा तो उसके लिए है वो। फिर ये डिमर जो भी ब्राइटनेस के ऊपर था, फिर टच पैनल एडजस्ट, वो भी आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से मतलब यहाँ पर टच करके, पर मेरा भी सही है तो मैं इसको करूँगा नहीं। फिर आता है ये कैमरा इनपुट रिवर्स, रिवर्स की लोना जब वो कैमरा के कंट्रोल सारे, वो स्टेयरिंग कंट्रोल भी आता है, अगर आपकी गाड़ी में स्टेयरिंग कंट्रोल होंगे तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। दिखा देते, देखो यहाँ से अगर कौन सी बटन किसके लोना आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। रियर व्यू कैमरा की जो मतलब जो कैमरा अपन जब रिवर्स गियर लगा जाए, जो कैमरा पे लाइन बनी आती है वो भी हम उसके यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो ये हो गया, अब ये तो हो गया बस, यहाँ पे इतनी सेटिंग है। और अगर सेटिंग होना होगा आपके म्यूज़िक के रिलेटेड, स्पीकर के रिलेटेड, यानी कि जो जो भी गाना बजाएंगे उसका जो आउटपुट कैसा है, उसके लिए यहाँ पे दिया है म्यूज़िक के लिए। अब यहाँ पे जो मेगा बेस करके उसको 1 और 2 पे रख सकते हैं हम, मेरा भी ऑफ है क्योंकि फिर वो ज़्यादा बेस हो जाता है उसमें। फिर ये सब बुफर के लिए, उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर है नहीं अभी। और ये बैलेंस फेडर, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो मतलब कौन से साइड के स्पीकर बजने के होने, इसलिए चारों साइड दरवाजे में से मतलब कौन सा बजने को होना, कौन सा आप चाहते हो पीछे वाला आगे वाले, आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे ये होगा कि क्रॉस ओवर, ये भाई पता नहीं मुझे कुछ है ये हाई ऑफ का, वो कभी अगर बता दूँगा आगे बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे होगा इतने कंट्रोल। फिर आता है यहाँ पे स्क्रीन के, ये जो एक डेमो बटन है मतलब यहाँ से अगर इसको ऑन करेंगे तो सोने की ऐड आती है उसमें, और कुछ नहीं है। और ये वॉलपेपर है जो कि अभी ब्लू पर सेट है। और फिर ये हो गया ये जो CD लगी है इसमें उसके कंट्रोल। और तो बस इतना ही, अभी आपको एक बार वो USB लगा के दिखा देता हूँ। अब देख लीजिए USB लगी इसमें, लिख के आ गया iPod USB। आपको एक गाना बजा के भी दिखा दूंगा एक, क्वालिटी कैसी आती है अभी कि अच्छा मैं लगाऊंगा, ताकि जिससे आपको क्वालिटी का अंदाजा लग जाए कैसी आती है।
तो अभी देखते पहले ये वाला बंद करेंगे हम गाना, तो इस लाएंगे भाई को अच्छा लगा थे गाना, ज़्यादा मुझे कॉपीराइट भी ना पड़े और आपको मतलब गाना भी ठीक से मतलब क्वालिटी आपको समझ में आ जाए। ये वाला सुनिए, 20 पे रखा है भाई, 25 रख के चलो आपके लिए, ज़्यादा नहीं इसे 25 तक आप सुनिए। और बेस अभी ऑफ है इसका, देख लीजिए भाई बेस इसका कैसा आ रहा है। तो सुन लिया भाई कैसा था बताना आप, अगर आपको इसमें चलती इसमें भी अगर आपको वो सेट करना होगा मतलब वो जो ई इक्वलाइजर गिया हुआ है यहाँ से कर सकते हैं आप, ये जो बटन है यहाँ पे बैंड टाइप दिख रहा है आप इसे कर सकते हैं ऐसे। बॉलीवुड की है इसमें, बॉलीवुड है, कस्टम है, डांस है और काफ़ी सारे आप इसको कर सकते हैं ऐसे कंट्रोल। और इसमें जो एक मेन मतलब वो नेगेटिव पॉइंट इसका ये है ये स्क्रीन का कि इसमें भाई ब्लूटूथ नहीं आता, तो काफ़ी बेकार चीज़ है भाई, ब्लूटूथ तो भी होना था इसमें जो एक मतलब नॉर्मल सी थिंग है। वैसे तो इसमें भी नहीं था तो हमने इसमें वही जुगाड़ लगाया था वो जो जो आफ्टर मार्केट में लिया था, पर इसमें भी नहीं है भाई वो। और वीडियो क्वालिटी अभी मैं आपको दिन में एक दिखा देता हूँ, फिर जो मतलब इसमें अभी तो ये सॉन्ग देख लिया आपने, पर अगर आपको वीडियो की देखना होगा चलती गाड़ी में नहीं, जब भाई गाड़ी खड़ी हो तो आपको टाइम पास के लिए वीडियो देखना है तो इसके लिए क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर रात के समय आपको फिर से दिखाऊंगा कि स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा है, इसकी ब्राइटनेस की रात के समय कैसी आती है, तो उसके लिए अब बाद में दिखाऊंगा, पहले अभी ये दिन में देख लीजिए फिर रात को मिलते हैं हम। तो अभी एक दिखा देता हूँ आपको ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए भाई, अब देखिए लोड हो रहा है फिर देखिए क्या आवाज़ ही भाई आवाज़ उसकी मतलब म्यूज़िक क्वालिटी तो वही रहेंगी, म्यूज़िक क्वालिटी वही रहेंगी, बस अभी ये आप इसकी देखिए वीडियो की। तो भाई बाकी मैं आपको रात के समय में दिखाऊंगा, अभी दिन के समय बस इतना ही था भाई। तो भाई अभी चलो मिलते हैं रात में हम। तो भाई अभी हम आ गए रात में, तो अभी देखते हैं रात को कैसा क्या सीन है। आपने दिन में देख लिया अभी कि उसका क्या ब्राइटनेस है कैसी कुछ क्वालिटी है, तभी रात में देखेंगे हम। अब हम गाड़ी के अंदर आएंगे आपको दिख नहीं रहा कुछ, अब दिख रहा होगा तो भी देखते हैं अभी ये हमने लगाई की। और तो रात को ऐसा दिखता है भाई अपना स्क्रीन का एनिमेशन ये, तो अभी ऐसे कुछ ये वार्निंग ही लिख के आ गई यहाँ पे, ये डू नॉट वॉच ऑपरेट मतलब गाड़ी चला के ऐसे यूज़ की ना करता हम इसको करते अभी ओके। अभी लोड हो रही है तब तक भाई इसका मीटर कुछ ऐसा कुछ दिखता है और लोड होने तक और गाना चालू हो गया भाई, फिर हम लगाएंगे बाद में, अभी पहले बैक करते और रात को देखे भाई ऐसा ऐसा कुछ आता है अपने ये पूरा सीन। और अभी कोई कोई तो भी चीज़ मिसिंग लग रही है यहाँ पे। अब आ गया ना भाई मज़ा, तो देखिए ऐसा कुछ लगता है भाई पूरा डैशबोर्ड अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एम्बिएंट लाइट के साथ। तो देखिए भाई रात को ऐसे देखते हैं, अब इसमें ब्राइटनेस भी मतलब ऐसी आती है कि हम देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं हम, और देखिए माइनस माइनस में जा रहे हैं, देखिए ब्राइटनेस कम हो गई, -5 हो गई है। तो अगर अभी हम मैं इसको ये ब्राइटनेस मतलब ये जो डिमर है इसको ऑफ करूँगा तो ब्राइटनेस आ गई वापस, और ऑन करूँगा तो कम हो गई। तो रात को ऐसे ऑन पे ठीक है, पर दिन में इसको मतलब वो ऑफ करना पड़ता है क्योंकि फिर इतनी आती है, कभी आगे जाके कैमरा लगाएंगे तब आपको दिखा सकता हूँ। और इसके पूरे सेटिंग तो आपने देख ही लिए ऊपर मतलब पहले,
दिन के समय पे। अभी बस आपको इसको रात को दिखाना है कैसा है। तो अभी हम जाएंगे अभी यूएसबी पे, मेन तामझाम इधर ही चालू होता है इसका, और अभी आज इसका लुक देखेगा बस। अभी लोड हो रहा है वीडियो, देखिए भाई वीडियो चालू हो गया। और भाई साउंड क्वालिटी जो पहले थी भाई, इसका जो एक म्यूजिक सिस्टम है मैंने आपको दिखाया सुबह, मतलब उसकी साउंड क्वालिटी भाई इतनी मतलब पहले तो मैं इसको अच्छी मानता था, पर जब से इसको सुना भाई क्लियरिटी में इतना फ़र्क भाई, मतलब झूठ नहीं बोलूँगा पर क्लियरिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और लाउडनेस भी इसके बहुत हो, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 तक जाती थी और इसकी मैक्सिमम जाती 50 तक। तो आप इसकी आवाज़ सुनिए एक बार, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा 15 तक करूँगा तब सुनिए आप। चलो 20 ले लीजिए, 20 तक कर दो। अब देखिए भाई इसकी आवाज़ सुनिए आप, आवाज़ सुनिए इसकी। तो ऐसी है भाई इसमें। और भाई ये जो अपना ये सिस्टम है पूरा ये सपोर्ट करते हैं, यानी अभी तो 720 वाला वीडियो चल रहा है तो ये सपोर्ट कर लेता है इतने इसको, पर हमको अगर ये चलाना है अपनी गाड़ी में तो इसको पेन ड्राइव में डाल के इसे ऑन नहीं होंगे क्योंकि सपोर्ट नहीं करता है इतनी क्वालिटी को। तो हमको इसको पहले वो कंप्रेस करना पड़ता है, उसके बाद अगर हम जब पेन ड्राइव में अपलोड करेंगे उसके बाद फिर ये यहाँ पे चलेगा। तो अब ये दूसरा होगा, इसको फिर से बैक जाएंगे हम। देखिए यहाँ मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल के रखे हैं, अब ये वाला भी सुन लीजिए एक, ये वाला सुनिएगा एक, आपको वह क्लियरिटी पता चल जाएंगी आवाज़ और इसकी मतलब ये वीडियो क्वालिटी पता चल जाएंगी। साउंड क्वालिटी तो अच्छी हो ही गई है तब से। आ रही है ना भाई पूरी फील। अब ये तो होगा भाई जो आगे बैठेंगे, मतलब जब अभी कभी ये भाई मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको भाई प्रमोट नहीं करता कि गाड़ी चल रही है समय आप ऐसा कुछ यहाँ पे तामझाम देखे। जब भी आपकी गाड़ी खड़ी है कहीं बोर हो रहा है भाई तब आप इसको चला सकते हो, वैसे गाड़ी चलाते हो इसको यूज़ नहीं करने को ना। और अपने गाड़ी में मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि जब तक हैंड ब्रेक ऊपर रहेंगे वीडियो चलेंगे, अगर हैंड ब्रेक नीचे कर दी तो वीडियो कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अभी जितनी भी नई गाड़ी रहती है उसमें आता है क्योंकि सेफ्टी रीज़न क्यों देते हो, क्योंकि बिना हैंड ब्रेक के हम चला नहीं सकते। तो अभी देखिए कुछ नहीं हैंड ब्रेक नीचे फिर भी, तो बस ये भाई तभी यूज़ करो जब गाड़ी खड़ी है, ऐसे भाई टाइम पास हो रहा तब, पर चलते गाड़ी में तो इसको प्रमोट ना करो। अब देखिए मैं ऐसे गाड़ी चलाऊंगा तो यहाँ से देख लीजिए कैसा दिखता है। और एक बार हम 20x का मैंने वॉल्यूम रखा, अभी पीछे जाके हम बात करते कैसा सीन आता है पीछे से। अब पीछे से देखिए भाई ऐसा सीन आ रहा है कुछ। ऐसा कुछ अपना डैशबोर्ड दिखता है यहाँ से। चलते हैं फिर से आपको आगे जाके बता देता हूँ, तो देख लेंगे। और थोड़ा भाई थोड़ी सी क्वालिटी इसलिए अटक रही है भाई थोड़ी सी, आप मैं थोड़ा सा देखा होगा, क्योंकि भाई इसमें मतलब ये ज़्यादा से मैक्स टू मतलब ये 720 भी सपोर्ट कर लेता है, पर हल्का हल्का अटकता है स्टार्टिंग में। अगर आप इसे 480 चलाओगे तो फिर वो तो मतलब वो एकदम अक्खन चलता है। वो वाला भी वीडियो मेरे पास 480 वाला, तो आपको दिखा देता हूँ। और एक इसकी एकदम मैक्स क्लियरिटी देखने के लिए तो देखिए मैंने आपको एक करके रखा है, ये थोड़ा GT5 वाला एडिटर थोड़ा सा इसमें कि देख लीजिए, एकदम हाई क्वालिटी है भाई इसकी जो कि सपोर्ट कर रहा है 1080p। देख लीजिए बेस की भाई इसमें, और आपने पूरी इसकी सेटिंग तो देख ही ली थी अब तब, इक्विलाइजर की सब कुछ आता है इसमें। अब ये सुनिएगा अभी ये वाला 20 पे अभी वॉल्यूम अब देखिए। है ना भाई मस्त, बस भाई बहुत है इतना। और एकदम अभी ये भी थोड़ा सा ये जो आपको दिख रहा है लटकता हुआ कुछ काम करनी है बकवास चीज़ है भाई, पूरी बकवास चीज़ है, इसका वीडियो आएगा भाई रिव्यू वाला, कुछ देंगे नहीं भाई इसमें।
अब भाई मैं ऐसा फेंक भी नहीं सकता, पैसों से लिया था तो अभी कुछ ना कुछ भले ही बेकार होगा पर यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो ये देख लो भाई, तो यही थी भाई मेरी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, देख लो भाई और एक बार बैक होम स्क्रीन।